हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत ठंडी है और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं दिल्ली में रहता था तो उस टाइम पे मेरा रिकॉर्ड है, पता नहीं आप लोगों का भी रिकॉर्ड होगा, कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड ज़रूर होगा। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कंटिन्यूसली 28 डेज़ जो है ठंडी में शावर नहीं लिया था। मतलब शैम्पू कर लेना और वर्म कपड़े से पोछ लेना बॉडी, इट्स ओके, बट प्रॉपर जो शावर होता है वो मैंने नहीं किया था। तो आप लोगों ने ऐसा किया है क्या? और किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि मैक्सिमम कितने दिन मेरी तरह रिकॉर्ड बनाया है कि नहीं बनाया है। इतनी ज़्यादा ठंड है, मेरा प्लानिंग था कि 15 जनवरी तक जिस पर्पज़ से मैं दिल्ली आया हूँ वो कम्प्लीट हो जाए, बट लेकिन जो सिचुएशन लग रहा है वो सिचुएशन तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि हो पाएगा, बट लेट्स सी। रूबी कम से हाय, बोलो हाय, बोलो हाय। तो सीपी जाने का प्रोग्राम है, सीपी जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ दोस्तों से मिलना है, तो मिलते हैं। रिपोर्टिंग फ्रॉम कनॉट पैलेस, और कनॉट पैलेस एज यूजुअल पीपल नोज इट फॉर कमर्शियल, बिजनेस एंड फाइनेंशियल लार्जेस्ट प्लेस यू कैन से न्यू दिल्ली, विच वी ऑफन कॉल सीपी, कनॉट पैलेस। सो इसके अलावा ये है कि जैसा मैंने बोला, फाइनेंशियल है, कमर्शियल है, लार्जेस्ट है। तो इन 2018 इट वॉज नाइन्थ मोस्ट एक्सपेंसिव कमर्शियल ऑफिसेस प्रीमिसेस ऑन रेंट। 1931 में कनॉट पैलेस को कंप्लीट किया गया था बना के, और इसके अलावा मेजर में आप जाएंगे इंफॉर्मेटिव तो कनॉट पैलेस जो जनरली पहले था वो आपको जंगल हुआ करता था। 1929, 1928, 1920s में जंगल हुआ करता जब ब्रिटिश उस टाइम पे जो भी गवर्नेंस जिनका था, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो नियर बाय जो दिल्ली के लोग हैं वो यहाँ हंटिंग करने आते थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि कनॉट पैलेस बनाया जाएगा। हालांकि कनॉट पैलेस जो है इस नाम से हांगकांग में भी एक एरिया कह सकते हैं, वहाँ भी है, और लंदन में, स्पेशली लंदन में भी है, क्योंकि ऑब्वियस है ब्रिटिश के शासन में ही ये सब सारा कुछ हुआ है। तो लंदन में भी एक कनॉट पैलेस है, गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो आपको दिखेगा। तो मैं आपको अपनी नज़रों से जो सीपी मैंने शूट किया वो देखिए, मैं तब तक पेट पूजा करता हूँ। रैंगल से पीछे काफ़ी फेमस है, मेरा फेवरेट है, जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो यहाँ पीछे रेड वाला जो देख रहे हैं वहाँ जाके डेफिनेटली खाता हूँ मैं। तो वहाँ कुछ खाते हैं, तब तक आप सीपी घूमिए, तब तक मैं नाश्ता करता हूँ। का क्रीम रोल खाया और खा के निकला हूँ, काफ़ी बहुत ठंडी है, जैसा देख रहे हैं कि जैकेट मैंने चेंज कर लिया, जैकेट चेंज किया, मैंने एक और ले लिया, तो टोटल तीन हो गए मेरे अंदर। स्वेटर है, ब्लू जैकेट है और रेड जैकेट है। अब जाके थोड़ी ठंड जो है कम लग रही है मुझे। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं सिटी में कभी भी शॉपिंग करने, बहुत सारे शॉप्स हैं जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे UCB का यूनाइटेड कलर पेंटल है, लिवाइस है, और काफ़ी सारे ब्रांड है, एप्पल का शोरूम है, बैंक्स भी काफ़ी है, स्ट्रीट साइड भी शॉप्स वगैरह मिलेंगे आपको, जैसे इधर है
बुक्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए घूम रहे हैं और आपको भी घुमा रहे हैं आज दिल्ली। हालांकि बहुत सारे लोग घूमे हुए होंगे, बट ठीक है, फिर से घूमने में क्या है, क्योंकि डे बाई डे तो चेंज हो ही रहा है माहौल। जनरली कनॉट पैलेस जो है इनर सर्कल आउटर सर्कल में डिज़ाइन किया हुआ है, और काफ़ी शॉप्स है, हर्ट ऑफ दिल्ली और राजीव चौक है जो वॉकिंग है, वॉकिंग क्या मतलब राजीव चौक, ये राजीव चौक है आपका, मेट्रो स्टेशन है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, तो ऑब्वियस भीड़ काफ़ी है, क्राउड अच्छे क्राउड्स आते हैं, लोग शॉपिंग करने आते हैं, फ्रिकआउट करने आते हैं। अगर आप कभी भी आएँ दिल्ली घूमने तो डेफिनेटली आप सीपी कनॉट पैलेस तो ज़रूर आएँ। हांगकॉन्ग और लंदन नहीं किए तो क्या, दिल्ली के सीपी को कनॉट पैलेस से तो घुमा ही जा सकता है, हर्ट ऑफ दी इंडिया कह सकते हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। अरे क्या क्या हो गया, ये सुमित है, ये दिलदार है। अच्छा ये दिलदार है, ये सुमित है, तो इनको भी आना है ब्लॉग में। मैं बोला ठीक है ब्लॉग में आ जाओ, ये 7 साल से काम कर रहा है यहाँ पे, 12 साल की उम्र से काम कर रहा है। तुम कितने साल से काम कर रहे हो? 6 साल से। अरे एज क्या है तुम्हारी? मेरी 14। अरे तो कितने साल से आ गए यहाँ? तो पढ़ाई लिखाई नहीं किए? पहले पढ़ते थे चौथी, उसके बाद फिर छोड़ दी। क्यों? मैं कोई काम नहीं करता। और अच्छा कहाँ से हो? राजस्थान। अच्छा राजस्थान से। तुम कहाँ से हो? सारे ग्रुप टोटल सीपी में जो है 12-14 लोग हैं जो ये लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। 20 है, 20 लोग हैं, और अप्रोक्स जो है इनका 1200 रुपये पर डे कमाते हैं, बट लेकिन यार उसे गुजारा हो जाता है। संडे भी आते हो? सोमवार को नहीं। मंडे क्यों नहीं आते हो? नहीं सोमवार, मंडे सोमवार नहीं आते हो? क्यों? छुट्टी मंडे को खेलते हो सबको, जितने 20 के 20 सब जितने भी काम करने वाले हैं। चलो ठीक है। तो गवर्नमेंट को कुछ बोलोगे नहीं? पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, कुछ करे गवर्नमेंट? पता भी नहीं। क्यों? पैसे के लिए, पैसे की वजह से। तुम्हारा? हम तो ऐसे नहीं पढ़ते, हमारे मर्जी से नहीं पढ़ते। चलो ठीक है, ये हालत है सेंट्रल की, लेकिन ठीक है मेहनत कर रहे हैं लड़के लोग। ठंडी में कितने बजे जाते हो सुबह? 7-8 मॉर्निंग में जाते। कितने बजे हो? 8-9 बजे चले जाते हैं। ठंडा सब बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा कब चलता है, कौन से महीने में? ठंडी गर्मी बारिश सर्दी अभी वाले टाइम में। क्यों ऐसा क्यों? बड़े बड़े लोग आते हैं सर्दी में तो पॉलिश मार देते हैं। अच्छा पॉलिश का क्या है, क्या कॉस्टिंग है मिनिमम, मतलब सबसे कम चार्ज क्या है तुम्हारा पॉलिश करने का? 120 भी है, 220 है। सबसे कम वाला? सबसे कम वाला 60 वाला। 60 से कम नहीं है तुम्हारा? 20 का क्या करते हो? सिर्फ ब्लैक पॉलिश, कोई उसमें कलर वलर कुछ नहीं, मिक्स नहीं करते? ओके 60 का है, 120 का सबसे महंगा कौन सा, कितने का है? हमारा ना कोई फंक्शन नहीं है, मतलब जो कस्टमर आए जितने लो जितने लो उससे मतलब। पहले बात कर लिए तो ठीक है, बाद में तो कार्ड ही लेना है। तो समझदार है ये लोग काफ़ी। चलो ठीक है यार, काम करो अच्छे से, ब्लॉग देखो। कुछ बोलना है किसी को ये काम करने के लिए, बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलोगे अपने एज वालों की पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अच्छा है? क्या अच्छा है ज़्यादा पढ़ाई? घबराने वाली बात नहीं है।